क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक 11 वर्षीय बालिका के कोमारे का सौदा 40,000 में करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बालिका को मुक्त कराया। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी महिला खरवी निवासी अर्चना शेखर वैशपायन ने अपनी सहेली की 11 वर्षीय बेटी को अपने झांसे में लिया और किशोरी को पैसों का लालच दिखाकर देह व्यवसाय के लिए प्रेरित किया है। आरोपी अर्चना ने किशोरी से कहा कि उसके 2 वर्षीय बेटे प्रसन्न का जन्मदिन मनाना है। इसी बहाने अर्चना पीड़ित बालिका को अपने साथ लेकर अपनी सहेली गोदनी निवासी रंजना चतुर्भुज मेश्राम के मित्र सिद्धार्थ रेसिडेंसी ओम नगर कोराड़ी स्थित फ्लैट में ले गई। वहां पर आरोपी हनुमान मंदिर नाइकवाड़ी बांग्लादेश निवासी आरोपी महिला कविता पुरुषोत्तम निखारे ने अर्चना और रंजना के कहने पर अपने परिचित ग्राहक को बताया कि 11 वर्षीय किशोरी आई है और उसका कुमारे बेचना है। इस कुमारे बिक्री की भनक लगते ही पुलिस ने एक बोगस ग्राहक कविता के पास भेजा। ग्राहक ने पीड़ित बच्ची की कुमारे का सौदा 40,000 रुपए में तय किया। सौदा तय होने पर बोगस ग्राहक तय स्थान पर पहुंचा और अर्चना को 40,000 रुपए दिए। पैसे मिलते ही अर्चना ने उस बोगस ग्राहक को अलग कमरे में भेजा और उसके साथ उस 11 वर्षीय बालिका को भी समागम करने भेज दिया। लड़की के कमरे में पहुंचते ही बोगस ग्राहक ने बाहर इंतजार कर रही पुलिस को सूचित कर दिया। फ्लैट में पहुंची पुलिस ने 11 वर्षीय बालिका को मुक्त कराया और तीनों महिला आरोपी अर्चना रंजना और कविता के खिलाफ धारा 366 A, 370, 370 A, 34 अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 17 के तहत कोराड़ी थाने में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि महिलाओं की इस गैंग ने इसी प्रकार कितनी किशोरियों का कोमारे बेचा। यात असे आहे, दिनांक 29 रोजी आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली। पोलीस स्टेशन कोराडी हद्दीत 11 वर्षाची मुलगी तिच्याकडून अनैतिक देह व्यापार करून घेत आहे। त्या माहितीच्या आधारे ही माहिती आम्ही आमचे वरिष्ठ अधिकारी श्री फुलारे साहेब आणि राजमाने साहेब यांना दिली। यांच्या मार्गदर्शनात त्या ठिकाणी पंटर पाठवण्यात आला। पंटरकडून ही माहिती कन्फर्म झाली की तिथे अनैतिक देह व्यापार सुरू आहे आणि संबंधित 11 वर्षाच्या मुलीसोबत फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करण्याची 40,000 मागणी करण्यात आली होती। तसे 40,000 देऊन पंटरला तिथे पाठवण्यात आले। पंटर पाठवून संबंधित ठिकाणाहून ज्यावेळेस आम्हाला पंटरकडून सिग्नल मिळाले की हो हे सगळं डील ओके झालेलं आहे, लगेच आम्ही कारवाई केली। तिथे एक 11 वर्षीय मुलीला रेस्क्यू करण्यात आले। यह कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी के निर्देश पर डीसीपी गजानन शिवलिंग राजमाने एसीपी नलावड़े के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शरद कदम सामाजिक सुरक्षा विभाग क्राइम ब्रांच के अलावा सह पुलिस निरीक्षक वंदना मनगटे महिला पीएसआई बंगला हरडे हवलदार अनिल अम्बाडे सुनील इंगले नायक पुलिस सिपाही संदीप चंगोले राशिद शेख सिपाही अजय पोनीकर मनीष राम टेके चेतन गेडाम चालक सिपाही सुधीर तिवारी महिला नायक पुलिस सिपाही रीना जौरकर प्रतिमा मेश्राम ने की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।